Hi friends, this is Satish Namdev. You're watching to Tech Video, and like, subscribe my channel. And now in this video, I am telling about the library vacancy. मैं यहाँ पर सारी डिटेल से लाइब्रेरी वैकेंसी से रिलेटेड बताऊंगा. एक हरियाणा के स्टेट में एक वैकेंसी आई हुई है जो कि अच्छा कॉलेज है, DRBA, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राय सोनीपत में, हरियाणा स्टेट में आई हुई है. यहाँ पर सबसे पहले हम वेबसाइट की बात करते हैं तो dbranlu.ac.in गूगल करने पर आपको ये वेबसाइट जैसे आपको शो हो रही है ऐसे वेबसाइट शो हो जाएगी. यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं. यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो जाएगा. एडवर्टाइजमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पर शो होने के बाद आपको यहाँ पर देखा जाएगा 17 अगस्त 2019 स्टार्टिंग है और आपको 6 सितंबर 2019 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा. ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, आपको वेबसाइट ओपन हुई यहाँ पर सबसे फ्रंट पेस्ट में आपको दिखाएंगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट शो होगा. जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा. BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत 131021 हरियाणा के नाम से स्टार्ट हुआ. यहाँ पर लाइब्रेरी की बात करते हैं. यहाँ पर 3 नंबर में फोन नंबर में आपको यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है. यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पोस्ट. यहाँ पर अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो अगर यहाँ पर बात करते हैं सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए 1 पोस्ट है जनरल के लिए. यहाँ पर 15,600 से लिए 39,100 AGP 6,000 है. यहाँ अगर बात करते हैं ये सिक्स पे कमीशन का है. और अगर हम यहाँ पर हरियाणा की बात करते हैं यहाँ पर 7 पे कमीशन हरियाणा गवर्नमेंट आपको दे सकती है. अगर यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंटेड हो सकता है तो आपको दे सकती है. यहाँ पर अदर डिटेल देखते हैं. यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं. यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटरी साइंस में इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए जो कि 55% का होना चाहिए. यहाँ पर सेकंड बात करते हैं. यहाँ पर कोटर एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए. आपको साथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए जो कि UGCSIR से जो कंडक्ट कराते हैं वो क्वालिफाई होने चाहिए. या फिर आपको PhD डिग्री अवार्डेड होना चाहिए एक कोऑर्डिनेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी से आपको PhD डिग्री कंप्लीट होना चाहिए. यहाँ पर आपको मैक्सिमम अगर बात करते हैं ऐसे लिमिट के तो 50 ईयर है. और जो मिनिमम डिटेल्स है अदर जो पोस्ट है उनकी क्वालिफिकेशन दिया हुआ आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पर सेम कंडीशन है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी जनरल इम्पोर्टेंस से, अगर यहाँ पर बात करते हैं इम्पोर्टेंस का जनरल रूल्स है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए. यहाँ पर इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए आपको एंड जो आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं की गई. आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए. अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको हरियाणा से उसको होना चाहिए, अदरवाइज आपको जनरल पोस्ट के लिए होगा. अगर नेक्स्ट एज की बात करते हैं तो एज को तो 50 ईयर है. अगर हमारे एज रिलैक्सेशन के लिए अगर 50 ईयर से अबव है तो वहाँ पर एज रिलैक्सेशन, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल सकता है. अगर बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क्स की बात करते हैं, आपको अगर CGPA में होगा तो उसको CGPA को कन्वर्ट करके परसेंटेज में करना होगा कि उसको 60% से पास होना चाहिए. अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर बात करते हैं जो नॉर्मल है, कोई और डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर इजिली रीड कर सकते हैं आप. 20 नंबर की बात करते हैं पर तो डिमांड ड्राफ्ट 1000 का होना चाहिए जनरल OBC के बॉयज कैंडिडेट के लिए और 2250 के लिए STSC कैंडिडेट के लिए और 500 फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, जो कि फेवर ऑफ रजिस्टर DBRANLU एट सोनीपत एंड सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल. जो आपका सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल जो होगा तो 5 बजे शाम को वो 7 दिन अप्लाई करने के 7 दिन तक में आपको सेंड करना पड़ेगा. जैसे हमारा यहाँ पर 13 2019
9/13/2009 को आपको 5 बजे तक आपको पहुंच जाना पड़ेगा। एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, अप्लीकेशन द रजिस्ट्रार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और ये एड्रेस कैंप ऑफिस है SBIT विलेज पल्लारी बाधागढ़ मेरठ रोड सोनीपत 131001। ये जो आपको एड्रेस दिया है यहाँ पर सेंड करना होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनब्लॉक्स की, इनब्लॉक्स के ऊपर आपको सबसे टॉप पर पोस्ट लिखना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना यहाँ पर मस्ट है, और साथ में वो आपको सेल्फ अटेस्टेड और पेज नंबर जो आपको डॉक्यूमेंट रहेगा उसको पेज नंबर करेंगे और सेल्फ अटेस्टेड उसको डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे, और साथ में उसमें आपको ये आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन निकलेगा उसमें आपको फ़ोटो पेस्ट करनी पड़ेगी, और साथ में यहाँ पर फोटो के ऑफ डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ की जो फ़ोटो होगी तो उसको आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, और साथ में उसको प्रिंट आउट लेकर उसको एप्लीकेशन डिमांड ऑफ को एप्लीकेशन के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ उसको सेंड करना पड़ेगा। जो हमने आपको एड्रेस बता दिया है डॉक्टर द रजिस्ट्रार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो आपको सेंड करना होगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं रिजेक्शन की, आपको लास्ट डेट में या फिर आपने एप्लीकेशन फुल फिलअप नहीं किया तो उसको उसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो सकता है, तो आप ऐसा करिएगा तो आपको जल्दी करना है सेंड करना। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जब ओपन होगा आपको यहाँ पर एक बॉक्स शो हो रहा है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको इंस्ट्रक्शन दिया, आप यहाँ पर इजिली पढ़ सकते हैं, यहाँ पर टिक करना है, आपको टिक करने के बाद प्रोसीड करना है, प्रोसीड करने के पास आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाई सिलेक्ट करना है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और यहाँ पर फुल नेम, यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पर जेंडर कैटेगरी, और यहाँ पर आपके हरियाणा के हैं कि बाहर के हैं, जैसे यहाँ पर यस नो, यहाँ पर सबमिट करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल सेव हो जाएंगे। सेव होने के बाद आपको होम पे जाना पड़ेगा, होम पे आपको ये पेज मिल जाएगा, आपके ईमेल आईडी में जाना पड़ेगा, ईमेल आईडी से आपको एक लिंक जाएगी, वहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा, ईमेल कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के सबमिट कर दो, सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पर पूरी डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा। और हम बात करते हैं उसमें डिमांड ऑफ की, आपको फोटो पहले आपको डिमांड ऑफ बनाना है, देन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। डिमांड ऑफ को बनाने के बाद यहाँ पर उसके प्रिंट जो फोटो इसको फोटो कॉपी उसमें अपलोड करनी होगी। अगर बात करते हैं टाइम की, इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट 17 अगस्त 2019 सैटरडे से स्टार्ट है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 6 सितंबर 2019 फ्राइडे 4 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अंदर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर दिए हुए टेक्निकल क्वेरी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी है, आप यहाँ पर से कॉल करके भी आप कुछ पता कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए लाइब्रेरी से रिलेटेड जॉब वैकेंसी की सारी वीडियो लेते आएंगे और सारी डिटेल। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।